हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कौर सुपर फंडा में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ पोहा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम वेजिटेबल्स लेंगे। ये मैंने वेजिटेबल्स लिए हैं, इसको मैंने फाइनली चॉप्ड कर लिया है। अब पोहा लेंगे, पोहे को एक छन्ने में डाल लेंगे। ये मैंने मोटा वाला पोहा लिया है, ये बहुत ही अच्छा बनता है, खिला खिला बनता है। इसको आपको भिगोना नहीं है, बस छन्ने में डालकर इसको पानी से वॉश कर लेना है 2-3 बार, और इसको छन्ने में ही रहने देंगे। इसको बनाने के लिए अब सबसे पहले हम पैन रखेंगे। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो यहाँ ऑलिव ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये गर्म हो जाए, ऑयल गर्म हो गया है। अब मैंने इसमें राई डाल दी है। राई के साथ मैं इसमें कड़ी पत्ता डाल दूँगी, और कड़ी पत्ता और राई थोड़ा सा चटकने लगेंगे तो उसी समय मैं इसमें स्लाइस किया हुआ अनियन डाल दूंगी। अनियन को हल्का सा सौते कर लेंगे। प्याज थोड़ा सा गुलाबी हो गया है, अब इसी समय मैं ये फूल गोभी डाल दूंगी। ये मैंने छोटे छोटे फूल इसके अलग कर लिए हैं और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैंने इसमें ये डाल दिया है। फूल गोभी थोड़ा पकने में टाइम लेती है, तो हम प्याज के साथ ही इसको डाल देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसका ढक्कन लगा दूंगी और 2-3 मिनट तक इसको पकने दूंगी ताकि गोभी अच्छे तरीके से गल जाए। 2-3 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, गोभी हो गई। अब मैंने इसमें ग्रेटेड जिंजर डाला है, थोड़ा सा 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, उसको मैंने ग्रेट कर लिया है, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। इससे इसका बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसको 2 मिनट के लिए और ढकेंगे। ढक्कन हटा लेते हैं, 2 से 3 मिनट हो गए हैं, इसको हम चेक करते हैं। मैंने इसमें अदरक भी डाल दिया था, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, गोभी को चेक करते हैं, गोभी गल गई है कि नहीं, क्योंकि गोभी को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन कैरेट और कैप्सिकम तो बहुत जल्दी गल जाता है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा कैप्सिकम कट करके डाला है, और मैं इसमें थोड़ा सा गाजर भी डालूंगी, वो भी मैं ग्रेट करके लूंगी, उसके पीसेस नहीं डालूंगी। ग्रेटेड गाजर इसमें बहुत अच्छा लगता है। और आप चाहें तो यहाँ पे मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मटर को बॉईल करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसको फिर से ढक देंगे 1 मिनट के लिए। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, और अब हम इसमें गाजर ऐड कर लेंगे। ये मैंने 1 गाजर ली है, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है कद्दूकस से, और वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। इससे गाजर से और वेजिटेबल्स डालने से इसका जो लुक है वो बहुत अच्छा आता है, और ये बहुत हेल्दी भी बन जाता है, और आपके बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। ये कलरफुल लगेगा, तो आपके बच्चे इसको बहुत अच्छे से इंजॉय भी करेंगे। अब मैंने ये गाजर डाल दिया है, इसी समय मैं थोड़ी सी हरी मिर्च डाल रही हूँ। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। अब इसी समय मैं इसमें नमक डाल दूँगी। नमक आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल लें, कम खाते हैं तो कम। थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे। अगर आपके बच्चों को लाल मिर्च नहीं पसंद है तो आप यहाँ काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ी सी ही लाल मिर्च डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं चुकंदर ऐड कर रही हूँ। ये चुकंदर मैंने 1 लिया है, जिसको मैंने ग्रेट करके ले लिया है। इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, और ये हेल्दी भी बनेगा। और आपके बच्चे ऐसे तो चुकंदर खाएंगे नहीं, कम से कम आप किसी डिश में डाल के उनको देंगे तो उनको पता भी नहीं चलेगा, और कलरफुल भी लगेगी, और वो इंजॉय भी करेंगे इसको। तो मैंने यहाँ पे चुकंदर ऐड किया। अब मैंने पोहा, जो मैंने छन्ने में धो करके रखा था, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। इसको डालने के बाद इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। पोहा को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे वेजिटेबल्स के साथ, और इसको बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं हरा धनिया डाल देती हूँ। हरा धनिया डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसी समय मैं 1 चम्मच पिसी हुई चीनी इसमें ऐड करूंगी। ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये मैंने 1 चम्मच के करीब पिसी हुई चीनी ऐड करी है। और इसी समय आप नींबू का रस भी इसमें डाल सकते हैं, अगर आपको खट्टा मीठा फ्लेवर पसंद है तो।
और मैंने यहाँ पीनट्स डाल दिए हैं, थोड़े से रोस्टेड पीनट्स, और आलू भुजिया डाल दी है जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। और इसको मिक्स कर लेते हैं और सर्व करते हैं। पोहा बनकर रेडी है, अब हम इसको सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, आपने देखा कितनी हेल्दी और कितनी क्विक रेसिपी है। इसको आप बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। जो वेजिटेबल्स आपको पसंद हो वो इसमें ऐड आप कर सकते हैं। और इसमें बीट रूट मैंने डाला जिससे कि ये और भी हेल्दी बन गई डिश। हमारे बच्चे बीट रूट नहीं खाते हैं, लेकिन इस डिश में अगर हम ऐड करेंगे तो उनको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा और वो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इंजॉय भी करेंगे। आई होप फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो, मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू सो मच।